तो दोस्तों आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले आरसीबी की टीम और पंजाब किंग्स किन प्लेयर्स को रिटेन करने वाले हैं, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इन दोनों ही टीमों के द्वारा कौन कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्हें अगले साल के लिए टीम में रिटेन किया जाएगा, सब कुछ आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कम्प्लीट देखना। साथ ही बात करेंगे बीसीसीआई की तरफ से मेगा ऑक्शन को लेकर क्या नियम लेकर आया जा रहा है, कितने खिलाड़ियों को एक टीम रिटेन कर सकती है, इसको लेकर क्या खबरें हैं, सब कुछ आपको इसी वीडियो में देखने को मिलेगा, इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखना। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हो आईपीएल 2025 में हमें मेगा ऑक्शन देखने को मिलेगा। मेगा ऑक्शन के लिए कई तरह की अपडेट निकल कर आ रही हैं। आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में बदल जाएगा रिटेंशन का नियम, अब इतने खिलाड़ियों को कर सकेंगे रिटेन। आईपीएल 2025 में होने वाले मेगा ऑक्शन का बड़ा अपडेट सामने आया है। मेगा ऑक्शन में कई फ्रेंचाइजी बीसीसीआई से 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने की मांग कर रहे थे, अब आईपीएल में नया नियम लागू कर दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं अब कितने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेंगे। दोस्तों आईपीएल 2025 में मेगा ऑक्शन होने वाला है। आईपीएल 2024 के बीच यह खबर लगातार सुर्खियों में रही कि आईपीएल 2025 में कितने खिलाड़ियों को रिटेन किया जा सकेगा। कई फ्रेंचाइजी बीसीसीआई से मांग कर रही थी कि मेगा ऑक्शन में 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का नियम बनाया जाए। इस कड़ी में मेगा ऑक्शन को लेकर रिपोर्ट सामने आई कि फ्रेंचाइजी कितने खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेंगे। खबरों की माने तो आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में खिलाड़ियों को रिटेन करने के लिए 3-1 का नियम लागू हो सकता है। बता दें कि अभी तक मेगा ऑक्शन में 4 खिलाड़ियों को रिटेन करने का नियम बनाया गया था। कोई भी फ्रेंचाइजी अपने 4 कोर खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती थी, लेकिन आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में रिटेंशन का नियम बदल गया है। अब फ्रेंचाइजी सिर्फ 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकेंगे, जबकि एक खिलाड़ी को राइट टू मैच कार्ड के जरिए अपनी टीम में शामिल कर सकेंगे। इससे फ्रेंचाइजियों को करारा झटका लगा है। फ्रेंचाइजियों ने बीसीसीआई से रिटेंशन नंबर बढ़ाने की मांग की थी, लेकिन बीसीसीआई ने रिटेंशन नंबर 1 और घटा दिया। अब उन तमाम फ्रेंचाइजियों के लिए बैड न्यूज है जो 8 खिलाड़ियों को रिटेन करने का सपना देख रही थी। वहीं दोस्तों अब बात करें आरसीबी की तरफ से किन 3 प्लेयर्स को रिटेन किया जा सकता है और किस एक खिलाड़ी को आरटीएम के द्वारा टीम में शामिल किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि आरसीबी की टीम सबसे पहले विराट कोहली को रिटेन करती दिखाई देगी। जी हां दोस्तों, विराट कोहली को रिटेन करना कन्फर्म माना जा रहा है। आरसीबी की टीम किसी भी कीमत पर विराट कोहली को रिटेन करेगी। उसके बाद दूसरा नाम कैमरून ग्रीन का है। ऑस्ट्रेलिया के इस ऑलराउंडर खिलाड़ी को भी आरसीबी की टीम रिटेन करती नजर आएगी। कैमरून ग्रीन ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी के साथ आईपीएल 2024 में शानदार खेल दिखाया था। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरा नाम होगा जिसे ये टीम रिटेन कर सकती है, वो मोहम्मद सिराज का होगा। भारतीय तेज गेंदबाज को आरसीबी की टीम रिटेन करना चाहेगी। वहीं आरटीएम कार्ड के जरिए टीम रजत पाटीदार को अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। तो ये 4 खिलाड़ी जिन्हें 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर और एक खिलाड़ी को आरटीएम के द्वारा टीम में शामिल किया जा सकता है। वहीं पंजाब किंग्स की बात करें तो दोस्तों पंजाब का आईपीएल सीजन अच्छा नहीं रहा था। पंजाब किंग्स पायदान में निचले स्तर पर रही थी। ऐसे में इस टीम में बड़े बदलाव होने की संभावना है और टीम अपने युवा खिलाड़ियों को रिटेन करने पर विचार कर रही है, जिसमें यह टीम शशांक सिंह को रिटेन करते दिखाई दे सकती है, जिन्होंने अपने बल्ले से शानदार खेल दिखाया था। इसके बाद प्रभसिमरन सिंह को भी रिटेन किया जा सकता है, जिन्होंने ओपनिंग में शानदार बल्लेबाजी का नज़ारा पेश किया था। इसके साथ ही तीसरे खिलाड़ी के रूप में अर्शदीप सिंह को रिटेन किया जाना तय माना जा रहा है। दोस्तों आरटीएम कार्ड के जरिए ये टीम लियाम लिंगस्टन को रिटेन कर सकती है। तो दोस्तों ये 4 खिलाड़ी पंजाब द्वारा आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन से पहले रिटेन किए जा सकते हैं। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।